अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है फ्लड्स की वजह से। लाखों घर तबाह हो चुके हैं, हजारों स्कूल तबाह हो चुके हैं, हजारों गांव डूब चुके हैं, हजारों टूरिस्ट प्लेसेस डूब चुकी हैं और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। इस सारी सिचुएशन में बहुत सी ऐसी पॉजिटिविटी भी हमें देखने को मिल रही है जहां पर लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, डोनेशंस कर रहे हैं, और साथ साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी देखने को मिल रही है जहां पर चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। और लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक एक औरत का राशन के देने के बहाने गैंग रेप हुआ है। लिटरली जहालत की इंतहा है। इंसान तो ऐसे लोगों को कहा ही नहीं जा सकता जितनी को बुरी सिचुएशन है। और इन सारी चीजों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मुझे कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमें बहुत ज्यादा स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं फ्लड डोनेशंस के नाम के ऊपर। सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, इवन के ट्विटर के कुछ अकाउंट्स कर क्या रहे हैं कि वो अपना अकाउंट देख रहे हैं इन द नेम ऑफ फ्लड डोनेशंस। मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी को भी कुछ भी डोनेट करना चाहते हो तो आप किसी इंडिविजुअल के अकाउंट पर पैसे जमा ना करवाओ। उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, आपको नहीं पता कि वो आगे से क्या करने वाला है। बहुत ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं जो फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए काम कर रही है आपकी डोनेशंस के थ्रू। तो थोड़ी सी अपनी रिसर्च करें डोनेट करने से पहले और अपने हलाल के पैसे सही जगह पर इस्तेमाल करें ताकि वो उन लोगों को मिल सके जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं, ना कि उन लोगों को जो स्कैम्स कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। आई होप सिचुएशन बेहतर हो जाए और अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर, बाकी हुक्मरानों ने। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।